पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जहां के मंत्रियों के साथ साथ राष्ट्रपति की भी अब कोई भी देश इज्जत नहीं करता है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह दे रखी थी और ऊपर से भारत के अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद से पूरी दुनिया में उल जुलूल बातें कर रहा है। साथ ही साथ अभी कुछ दिनों पहले इमरान को गूगल ने भिखारी भी बताया था, जिसकी वजह से उन्हें पूरे विश्व में ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन अब उनके यहाँ के किसी मंत्री को ट्रोल या किसी नेता को कुछ कहा नहीं जा रहा है, बल्कि अब की बार इससे भी बुरा हुआ है। पाकिस्तान, जिसे अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी, उसे पूरी दुनिया में मुंह की खानी पड़ी है। चाहे वो कोई भी देश हो, हर किसी ने उनका साथ देने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से उनके मंत्री आए दिन परमाणु बम से हमला करने की धमकी देते रहते हैं। ऐसे ही एक मंत्री हैं शेख रशीद। शेख रशीद पाकिस्तान की मौजूदा सरकार में रेलवे मिनिस्टर हैं। उन्होंने पिछले दिनों भारत पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने को कहा था, लेकिन जब वह लंदन के एक होटल में एक पुरस्कार समारोह में भाग लेकर बाहर निकल रहे थे, तो वहां के मुस्लिमों ने उनके ऊपर अंडे फेंके और घूंसों से मारा भी था, जिसके बाद उन्हें मारने वाले फरार हो गए। यह न्यूज़ पाकिस्तानी मीडिया में दिखाई जा रही थी और बताया जा रहा था कि बुधवार को पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी PPP के साथ जुड़े हुए पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन यूरोप के अध्यक्ष आसिफ अली खान और पार्टी की ग्रेटर लंदन महिला शाखा के अध्यक्ष समा नाज ने एक बयान जारी किया था और इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने कहा कि राशिद ने PPP प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके विरोध में उन्होंने ऐसा किया था। शेख राशिद को उनका एहसान मंद होना चाहिए कि उन्होंने उनके खिलाफ विरोध जताने के लिए ब्रिटेन के अंडा फेंकने के सभ्य तरीके का ही केवल इस्तेमाल किया, पर दोनों नेताओं ने सिर्फ अंडे फेंकने की बात अपने बयान में कही थी, पर मुक्कों से पिटाई की बात पर कुछ भी नहीं कहा। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के रेल मंत्री को मुक्का किसने मारा। इस मसले को देखकर ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान की हरकतें जल्द ही नहीं सुधरी, तो शायद उनके यहाँ के प्रधानमंत्री पर भी किसी दिन ऐसा हमला ना हो जाए, या क्या पता वो दिन देखने के लिए पाकिस्तान ही ना बचे। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज़ को करें सब्सक्राइब, ताकि अब तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद।